जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित सैला घोड़ा बैरियर पर नशे में धुत फौजी के द्वारा ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब हिमाचल सीमा बैरियर पर फौजी ने जमकर हंगामा किया, यहां तक कि महिला पुलिस के द्वारा मना करने पर भी फौजी ने स्वयं ही बैरियर को हटाने की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये मामला 14 जून का है। ये फौजी छुट्टी पर घर आया था, हिमाचल के चंगर क्षेत्र में इसके घर है, लेकिन पंजाब सीमा से हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जब महिला कांस्टेबल ने उससे लीव सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा तो उसने तैश में आकर महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया और जमकर हंगामा किया। जब महिला पुलिसकर्मी ने उसे मास्क लगाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह नौजवान है और उसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसने मौके पर खुद ही बैरियर को हटाने की कोशिश की। महिला कांस्टेबल उसका विरोध करती रही लेकिन वह नहीं माना। एक मिनट सर, तू कर पहले एसएचओ को कॉल वॉल ड्रिंक की हुई है? हाँ की है। कहाँ रहो घर को? छोड़ एक मिनट। हाँ बरा एसएचओ को बुला, क्या कर किस मैटर पे बुला रहे हो? उन्हें कोई नहीं, मैं ड्यूटी कर रहे हो इधर। और यहाँ पे मैं रिक्रूट हूँ, प्यार से बात कर रहे हो? 16 साल नौकरी मेरी सेना की। एक मिनट इस मैटर में। हाँ बता, हालांकि फिर थाना कोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और इस नशे में धुत फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे न्यायालय में पेश किया गया और उसे 25 जून तक न्यायिक रिमांड मिला है। 14 जून को हमारे यहाँ सैला घोड़ा नाका पे एक फौजी छुट्टी आया था, तो जो नॉर्मली हमारा एसओपी है जिसमें जो भी आता है उसके पास ही चेक किए जाते हैं, और फौजी लोग जो भी छुट्टी आते हैं उनका लीव सर्टिफिकेट या उनका मूवमेंट ऑर्डर को चेक किया जाता है। तो इसको भी यही चीज़ कही गई थी कि आप अपना मूवमेंट ऑर्डर या लीव सर्टिफिकेट दिखाएं, बट ही वॉज फाउंड टू बी इन ड्रंकन स्टेट, तो उसने वहाँ पे बदतमीजी करनी शुरू कर दी और काफ़ी देर तक उसने वहाँ पे हो हल्ला किया। बाद में वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और उसने वहाँ पे जो हमारे लेडी कांस्टेबल्स थी उनके साथ बदतमीजी से पेश आया, उनको गालियाँ दी इसने और एक चेयर भी उनके ऊपर उठा के इसने मारी थी। तो हमारी टीम जो हमारे कोर्ट थाना से वहाँ पर पहुँची, इसको काबू किया गया वहाँ पर और इसको वापस थाना में लाया गया। इसके अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी गई है। पिछले कल इसको कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से इसको 25 जून तक के जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है।